यो व्हाट्सअप भाई, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले सीरीज। तो आज से हम एक न्यू गेम प्ले की सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है रशियन कार ड्राइवर यूएजेड हंटर। तो गाइस ये वाली जो गेम है ना वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है भाई, मैंने आज दिन तक इससे ज़्यादा अच्छी रियलिस्टिक गेम बिल्कुल भी नहीं देखी 100 MB के अंदर अंदर। तो गाइस ये ना मतलब ये वाली जो गेम है ना वो 2-3 GB जो गेम्स होते हैं ना उनको आराम से टक्कर दे सकती है। हम इसमें ऑफरोडिंग कर सकते हैं, रेसिंग कर सकते हैं, रेसिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी रियलिस्टिक गेम है। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम ये ना गेम के अंदर आ चुके हैं और हमारा जो है ना पूरा का पूरा ये विलेज है और हमें सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ओके, तो यहाँ पे हमें अपना निकनेम डालना है, तो हम हमारा जो नाम है केशव हम वही डाल देते हैं और हमारा जो है ना मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर मैं ज़रूर लगाऊंगा क्योंकि यार मतलब भाई है ना मेरे को इस वाले फोटो तो नहीं रखने। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा लिया है और भाई अच्छा खासा फोटो लग रहा है यार, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी ना आ चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम ये थोड़ा एनिमेशन देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे भाई बेसिकली इस गेम की स्टोरी ये है कि हम ना कहीं बाहर गए हुए थे और हम अभी ही आए हैं, मतलब कहीं गया हुआ था ये इसके काम से, तो हम आज ही आए हैं और नाव से आए हैं भाई, बोट से आए हैं। तो ये बोट यहाँ पे आ चुकी है और अभी हम बोट से ना बस स्टॉप पे जाएंगे, बस स्टॉप पे ही से ही हम हमारे विलेज में उतरेंगे। और हमारे जो विलेज की जो पॉपुलेशन है वो भी कुछ मतलब कम ही है, मतलब हमारा बहुत छोटा सा गांव है, एक कोई ज़्यादा बड़ा शहर वगैरह नहीं है। तो ये भी भाई मतलब अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफरोडिंग है। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे आ चुके हैं और ये रहा वो बस स्टॉप और ये रहा हमारे गांव का जो है नाम और हमारा जो पॉपुलेशन है वो है 62 है भाई, यहाँ 83 हो गई, अब हमारे आने से यहाँ पे 83 हो गई है। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा चुके हैं और ना मतलब हमारा जो ये कैरेक्टर है ना वो भी आ चुका है यहाँ पे बस स्टॉप से हमारे। ओके, तो यहाँ पे स्टैंड कैश हो, ओके सॉरी स्टार्टिंग कैसा है ना, तो ठीक है बाकी बातें बाद में करते हैं। ओके, तो अभी हम गेम को स्टार्ट करते हैं। भाई ये रहा हमारा कैरेक्टर, भाई कितनी मासूम सी शक्ल है बेचारे की। ओके, तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो ओके तो टर्न अराउंड। तो ओके, जो यहाँ पे हमें पीछे मुड़ने के लिए कहा जा रहा है और ऊपर जो ये आप चार जो लाइफ लाइन देख पा रहे हो, एक रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो। ओके, तो यहाँ पे ये मैम बैठी हुई है, पता नहीं क्या है। ओके, जो रेड वाली है वो हमारी HP है और जो ब्लू वाली है वो हमारी मतलब स्टेमिना है और भूख वाली जो है ना हमारी ग्रीन वाली है, पता नहीं येलो वाली किस काम की है मेरे को पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया, मैंने रन का बटन जो दबाया था और है ना हमारा जो होम है वो अभी 33 मीटर से यहाँ पे दूर हो गया है, ना हम फटाफट से हमारे होम पे भी पहुँचने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा जो अंदर से जो घर है ना वो किस टाइप का होने वाला है। तो अब यहाँ ओके यार मतलब घर तो भाई काफ़ी अच्छा खासा है और हमारे घर पे भी पहुँच चुके हैं और घर है ना भाई एकदम अच्छा खासा घर है। तो भाई मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये घर। तो हमें यहाँ पे एक लेटर ढूंढना है, तो हमने वो लेटर तो यहाँ पे ढूंढ लिया है। ओके, डैड का लेटर था ये, डेट का तो हमें गैराज में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मनी ढूंढनी है, मनी यहीं पड़ी है भाई, पैसों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ पे पैसों ढूंढने की जरूरत पड़ती है, पैसों को तो ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे फाइंड द गैराज की, तो गैराज की भाई यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब सब तो ये बता रही है तो फिर फाइंड करने की क्या जरूरत है भाई। ओके, तो अब यहाँ से गो आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे ओके सीन ये कपड़ा, ओके टीवी का रिमोट, भाई टीवी देख लेता यार, मैं थोड़ी टीवी देखने का मन था मेरा, लेकिन अभी हम यहाँ पे बाहर जाने की कह रहा है, गैराज में जाने की कह रहा है, तो हमें गैराज में ही चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने घर से बाहर जा चुके हैं हम। ओके, तो इसमें हमारे पास फ़ोन एंड बैकपैक भी है, फ़ोन में कोई मैसेज भी आया हुआ है भाई, कौन सी कंपनी का फ़ोन है, ओप्पो वीवो आईफोन है, सैमसंग है, पता नहीं कौन सी कंपनी का फ़ोन है। तो हमारा जो फ़ोन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है, वो एक अच्छी तरह से वॉलपेपर लगा हुआ है, अभी हम फुर्सत में आपको दिखाऊंगा वॉलपेपर। ओके, तो यहाँ पर कुछ आया हुआ था बट कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वॉलपेपर तो मैं आपको फुर्सत में दिखाऊंगा फ़ोन को। तो सबसे पहले देखते हैं गैराज में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक फादर का नोटिस है, जो फादर का नोटिस जो है ना उनको ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे फादर का नोटिस, भाई इतना लंबा नोटिस कोई भी नहीं पढ़ने वाला है। ओके, तो हमें एक विलेज में जाना है, तो हम फटाफट से हमारी गाड़ी में चलते हैं भाई, क्यों फालतू में पैदल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट इंजन का नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो हम स्टार्ट इंजन पे दबा सकते हैं, स्टीयरिंग का ऑप्शन है, स्टीयरिंग। ओ भाई ओके, तो यहाँ पे जो एक कार है ना वो शायद से ख़राब पड़ी हुई है, टो ट्रक के लोग को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा आई थिंक से, बट यार मैं टो ट्रक यहाँ से कहाँ पर बुलाऊँगा, एक काम करता हूँ पैदल चलता हूँ, 500 मीटर ही तो है, फटाफट से भाग के चल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ, और इससे हम बात करते हैं फटाफट से, क्या ही सीन है इसका। ओके 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 ओके, वेलकम बैक माय फ्रेंड। ओके, तो ये इसका फ्रेंड है भाई, इतना लंबा कोई पढ़ने की कोई बात नहीं कि हम इसको क्या करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग इज़ द फाइनेस्ट यार,
पता नहीं कौन सा मैं ऑप्शन यहाँ पे दबाऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा, बट काम करते मैं ऊपर वाला ऑप्शन दबा देता हूँ, कोई से भी ऑप्शन दबा देता हूँ, वैसे भी करना सर आई थिंक से कोई हमारे रिस्पॉन्स। ओके तो हमें वापस से घर जाना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे वापस से गैराज पे आ चुके हैं और वो भी अभी बैठने के लिए आता ही होगा, मतलब कोई कार में ही बैठा मिलेगा हमको, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार में बैठा मिल गया। इसने यही कहा था कि हमको कार में हम आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, और हमें एक विलेज में जाना है बहुत लंबा चौड़े, मतलब 6 से 7 किलोमीटर वो यहाँ से दूर पड़ता है। तो उसने हमारी कार को भी भाई ठीक करवा के दे दिया है। ओके तो हम यहाँ जितने में, इसने हमारी कार को भी ठीक करवा लिया, ये भी मैंने इससे शायद कह ही दिया था वहाँ पे, पता नहीं इसकी जो बातचीत हुई मैंने पढ़ी तो है ही नहीं, तो पता नहीं इसने कहा ही होगा तभी तो इसने करवाया है। तो ओके गाइस, तो अभी है ना वहाँ पे जहाँ पे भी मार्क आ रहा है ना वहाँ पे जाना है भाई, है ना बहुत ज़्यादा दूर है वहाँ, वैसे भी 6 से 7 किलोमीटर दूर है, तो दूर तो भाई मतलब होगा ही, ऑब्वियसली बात है यार इतना दूर। ओके तो यहाँ पे इधर मुड़ जाते हैं फटाफट से, हमारा कैमरा एंगल भी है ना हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे अभी, ताकि यार इस वाली कार में ना भाई थोड़ी दिक्कत आएगी, वैसे ये वाला कैमरा एंगल भी ठीक है, लेकिन यार एक यहाँ पे तो दीवार है सामने की तरफ, तो हम यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। ओके तो हमें इधर से जाना होगा। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोड़ लिया है हमने कार को, हम थोड़ा गलत चले गए थे हम, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट लगे हम फटाफट से आ गए। तो ओके गाइस, हमने मेन रोड पकड़ लिया है और मेन रोड को चलाते चलाते भाई ओके तो यहाँ पे सीट बेल्ट को बांधने का ऑप्शन आ रहा है, तो सीट बेल्ट को भी हमने बांध लिया है। ये रेलवे ट्रैक आ गया, तो रेलवे आने से ट्रेन आने से पहले हम निकल जाते हैं भाई फटाफट से। ओके तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं, प्रोडक्ट वाइज हमें पहुँचने वाले हैं थोड़ी दूर था, लेकिन उसमें भाई पुलिस का कोई केस हुआ है भाई, पुलिस की गाड़ी की मत देना भाई, उसके कोई नहीं टूकी नहीं टूकी, ऐसे हम गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं यार। ऑल राइट, तो यहाँ पे भाई पुलिस का कोई केस हुआ, शायद चोरी वोरी हुई है या फिर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, पता नहीं क्या ही सीन है, बट ठीक है देख लेंगे। तो ओके गाइस, तो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं रास्ता, हम उधर से तो जा नहीं सकते, वहाँ पर नदी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक ब्रिज आएगा उसके ऊपर जाके हम यहाँ पर जाके पूरे लंबे रास्ते से होने की वजह यहाँ से चल जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी एक काम करते हैं, हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमें ना यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ मुड़ना है और हम जो है ना हमारी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, लगभग पहुँच ही गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो 240 मीटर दूर है, लेकिन इतना सर दूर थी दूरी थी ना, 240 मीटर तो नहीं थी, पता नहीं सारी गलती दी गई इसमें, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सबको भाई पढ़ने अभी मैं नहीं बैठने वाला हूँ पढ़ने यार, पल तो मैं क्या मतलब इतने सब कुछ पढ़ के। ओके तो यहाँ पे भाई जो भी था वो हमने कर लिया। ओके यहाँ पे हमारा मिशन भी कम्प्लीट हो चुका है। ओके गाइस, तो ओके हमारे यहाँ मिशन फर्स्ट जो मिशन है वो तो कंप्लीट हो ही चुका है, अब हम इसकी जो वीडियो है ना वो एंड करते हैं। तो ओके गाइस, ये रहा वो इंटरफेस जो आप देखना चाहते थे, बट मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। ओके तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है गुड बाय।